सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। वन पीस मांगा चैप्टर 1043 का स्पॉइलर आ चुका है, और कल जो वाला स्पॉइलर आया था बोलो ही मत भाई, 4 लाइन का स्पॉइलर दिया था, और वो स्पॉइलर ऐसा था ना, मैं क्या बोलूँ, दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे तो वीडियो तक बनाने का मन नहीं किया, ऐसी ऐसी चीजें यार वो सवाल छोड़ के जा रही थी। पर खैर, आज वाला जो स्पॉइलर आया है वो बहुत ही ज्यादा बवाल था। साथ ही साथ जिसको नहीं मालूम है, कल जो स्पॉइलर दिया था या फिर इस हफ्ते का जो चैप्टर का जो स्पॉइलर दिया है वो है सैंकी। अब जिसको रेडिट पे जाकर के स्पॉइलर, जो लोग हर बार रेगुलर बेसिस पे, मतलब जब भी स्पॉइलर आता है तुम लोग जाकर के रीड करते रहते हो, वहाँ से चेकआउट करते रहते हो, उनको मालूम रहेगा कि ज़्यादातर टाइम पे रेडॉन स्पॉइलर लीक करता है, बट इस बार सैंकी ने किया है। अब जो लोग नहीं जानते सैंकी कौन है, मैं तुमको बता दूं, ये वही बंदा है जिसने 1013 का स्पॉइलर दिया था। ये बहुत ही कम बार दिखता है रेडिट पे, और ये हमेशा ही इसी टाइप के अजीबोगरीब टाइप से ही स्पॉइलर देता है कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाए, कुछ बताने नहीं खोजता, ये मजे लेने में ज्यादा विश्वास रखता है। खैर जो कुछ भी हो, आ जाओ सीधे हम लोग स्पॉइलर पे बात करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का टाइटल हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है, लेट्स डाई टुगेदर, और ये लाइन बोला है यामाटो ने। इसके बाद हमें कवर पेज के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कवर पेज जो कि कवर स्टोरी चल रही है, तुमको याद होगा होल केक आइलैंड वाली, यहाँ पर हमें बताया जाता है ओवन जो है होल केक आइलैंड पहुंच जाता है। अब जिसको नहीं पता क्या चल रहा है, पिछले चैप्टर में तुमको याद होगा ओवेन ने क्या किया था, उस बुक को अपने कंधे में उठा करके वहां से निकल दिया था, जिस बुक के अंदर योनजी और नीजी जो है कैद थे। इसके बाद नरेटर ने एक और चीज बता दिया है कि काइडो जीत चुका है, साथ ही साथ काइडो ने CP0 को कुचल दिया। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो CP0 वाला जो बंदा जिसने डिस्टर्ब किया था लूफी वर्सेस काइडो के फाइट पे, वो जिंदा है कि मर गया, पर देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो टपक चुका है। आई होप कि वो मर जाए, साला दिमाग खराब कर दिया था बे। इसके बाद कावामात्सु आस्क्स द समुराई टू एस्केप, देयर इज नो ऑनर इफ यू बर्न इन डेथ। ये बात पे मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ यार, तुम मर जाओगे, शहीद कहलाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा जब तुम्हारे पास बचने का चांस है। साथ ही साथ इसके बाद जो हुआ है ना भाई, मतलब बवाल बवाल बवाल, काइडो कासल के अंदर जाता है, वो नीचे जाता है और वहां जाकर के कहता है लूफी मर चुका है, साथ ही साथ वो मोमोनोस्के को कहता है कि हार मान लो, प्लस भाई किड और लॉ, मतलब दाद देनी पड़ेगी इन दो लॉन्डो की, इनको जब मालूम पड़ता है कि लूफी हार चुका है तो ये लोग जो है फाइट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, बिकॉज यार थोड़ा तो चौड़ाएगा ही, इन्होंने एक योंको को डिफीट किया है, अब दूसरे योंको की बारी है, भले ही हालत एकदम अधमरे जैसा हो पर इनको जो है फाइट करना है। साथ ही साथ नामी यहाँ पर काइडो को कहती है स्नेक एंड ए लायर, जिसके बाद भाई काइडो गुस्सा हो जाता है, ऐसे ही दारू पिया हुआ है बंदा, और वो गुस्से में पहले से ही है, CP0 ने उसका मजा किरकिरा कर दिया, जो फाइट में उसको मजा आ रहा था उसने उसके फाइट में डिस्टर्ब कर दिया, भाई काइडो उसका गुस्सा शायद नामी पे भी उतार दे, वो सीधे जाके नामी के ऊपर अटैक कर देता है, पर मार्को उस अटैक को डिफेंड कर देता है, एक तरह से कह लो वो नामी को बचा लेता है। इसके बाद काइडो वहां पर फाइट करना शुरू कर देता है, तब तक जब तक मोमोनोस्के हार ना मान ले, प्लस यहां पर नेकोमोमोसी और कैरोट ये दोनों भी काइडो के खिलाफ फाइट के लिए जाते हैं और ये लोग भी फाइट करते हैं। ये सारी फाइट देखने के बाद मोमोनोस्के के दिमाग में आता है अब कोई चारा नहीं बचा है, उसे हार मानना चाहिए, बिकॉज वो नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर जान से मर जाए, बट यहाँ पर यामाटो उसको कहती है नो लेट्स डाई टुगेदर। भाई इसके बाद जो एपिक लाइन जुनेसा के मुंह से सुनने को मिलता है, मतलब हिला डाला यार, जुनेसा कहती है I heard that sound that I didn't hear in 800 years. उसने ये आवाज 800 सालों से नहीं सुनी थी। मोमोनोस्के यहाँ पर कहता है क्या सुनाई दिया, जिसके जवाब में जुनेसा कहती है The drums of liberation. There is a no doubt he is here. मोमोनोस्के कहता है Who? जुनेसा Joy Boy has come back. भाई इसके बाद हमें लास्ट में ना एक क्रेजी पैनल दिया जाता है, जहां पर लूफी का बॉडी मेल्ट हो रहा है, प्लस उसका स्ट्रॉ हैट भी मेल्ट हो रहा है। क्या इसका मतलब लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग हो रहा है? मुझे नहीं लगता है, इस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले हम यहाँ पर जिसने स्पॉइलर लीक किया है उसके बारे में थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करते हैं, बिकॉज उसने नीचे और ज्यादा हमें जो है नोट्स दिए, जहां पर उसने लिखा है द SFX डबल नेक्स्ट टूर सेज लूफी निका। उसने यहाँ पर वो जापनीज वाला जो लेटर था उसको ट्रांसलेट करके बताया, जापनीज कांजी को, तो वहां पर वो निकल के आता है निका।
प्लस जिसका मतलब होता है ग्रीन। अब जो कुछ भी है यार, ये निका हम लोग बहुत बार यार सुन चुके हैं, सन गॉड निका वगैरह वगैरह, जिस पर जब धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर में रिवील होगा या फिर ये चैप्टर जब आएगा हमें और अच्छे से मालूम पड़ेगा। भाई मैं कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, और यहाँ पर जिसने स्पॉयलर लीक किया वहां पर उसने दो चीजें हमें जो है क्लियर कर दिया। पहला, द नेम ऑफ द डेविल रूट इजंट मेंशनड इन द चैप्टर। भाई लूफी के डेविल रूट, अगर कोई दूसरा डेविल रूट है, नाम छिपाया गया, जैसा कि तुम सब कहते हो, ज्यादातर थ्योरीज भी कहती है, निकल के आती है, यहाँ पर ये हमें बता दिया गया है कि कहीं पर भी हमें उसके डेविल रूट का नेम मेंशन नहीं किया गया। प्लस द कमेंट ऑफ द एडिटर इज द मैंस लाव्स इन साइलेंट, जो कि तुम जो है यहाँ पर देख सकते हो इस पैनल पे, जहां पर लूफी हमें मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, शायद यही उसका मतलब। अब जो मेरे भाई मैं आना चाहूंगा फाइनल कॉन्क्लूजन पे, ये स्पॉइलर देख करके क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या थ्योरीज गलत हुई हैं, क्या क्या जो है बवाल मचा, उन सब पे बात करूंगा। सबसे पहले भाई ये जो चीजें दिखाने के बाद एक बात तो प्रूव हो गया, अगर ये लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग है, मान लेते एक टाइम पे अगर ये डेविल फ्रूट अवेकनिंग है, तो एक थ्योरी तो गलत निकल गया, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि लूफी का डेविल फ्रूट सन वुकोंग है, जो कि घंटा कुछ नहीं है, यहाँ पर साफ साफ मालूम पड़ गया ओडा के द्वारा। साथ ही साथ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि लूफी का डेविल फ्रूट अवेकनिंग हुआ है, हो सकता है ये खास तरह का दूसरा टाइप का पावर हो। प्लस देखो एक चीज यहाँ पर ना सवाल उठता है, मैं इस अवेकनिंग को मान लूंगा, मुझे एक बात बताओ, अगर लूफी का डेविल फ्रूट वो जॉय बॉय वाला सीन है, उसका अवेकनिंग होना ही जॉय बॉय का वापसी था, उस डेविल फ्रूट को खा लेना ही जॉय बॉय का वापस लाना, ये सारी चीजें अगर चल रही है तो वो डेविल फ्रूट ही यार जॉय बॉय है एक तरह से। क्या चल रहा है मुझे अभी तक ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सरदर्द है, खासकर ये जो स्पॉइलर जो आया ना, बहुत ज्यादा सरदर्द है। प्लस ब्रेक दे दिया ओडा ने नेक्स्ट वीक, ये जो चैप्टर जब आएगा ना, मैं सच बता दे रहा हूँ, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इतनी सारी चीजें भाई, पूरा बवाल है, पूरा दिमाग खराब कर दिया है। और मैं जानते हो इस चैप्टर का लास्ट पैनल जब आएगा, उससे ज्यादा मैं पहले वाले पैनल को लेने के लिए एक्साइटेड हूँ, देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। वाई? बिकॉज भाई वहां पर सीपी जीरो को कुचला जाएगा, मैं चाहता हूँ वो साला मर जाए, जिंदा ही ना बचे, भाई वो शहीद हो जाए, मरीज ने उसका फोटो लगाया मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर साला मर जाना चाहिए, जिंदा ना बचे। चैप्टर जब आएगा ना फ्राइडे को, उसके रिव्यू पे मैं और डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल यार आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारोगे तुम इस चैनल पे नए आ गए हो, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा और तुम पहले इस वीडियो को देख लोगे। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।